ओम शांति। मुरली का तारीख है 18/10/2020। अव्यक्त बाप दादा मधुबन रिवाइज 7/4/86। तपस्वी मूरत त्याग मूरत विदाता ही विश्व राज्य अधिकारी। आज रूहानी शमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। सभी रूहानी परवाने शमा से मिलन मनाने के लिए चारों ओर से पहुंच गए हैं। रूहानी परवानों का प्यार रूहानी शमा जाने और रूहानी परवाने जाने। बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चों के दिल का स्नेह आकर्षण कर इस अलौकिक मेले में सभी को लाया है। यह अलौकिक मेला अलौकिक बच्चे जाने और बाप जाने दुनिया के लिए यह मेला गुप्त है। अगर किसी को कहो रूहानी मेले में जा रहे हैं तो वह क्या समझेंगे। यह मेला सदा के लिए माला माल बनाने का मेला है। यह परमात्मा मेला सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाने वाला है। बाप दादा सभी बच्चों के दिल के उमंग उत्साह को देख रहे हैं। हर एक के मन में स्नेह के सागर की लहरें लहरा रही है। यह बाप दादा देख भी रहे हैं और जानते भी है कि लगन ने विघ्न विनाशक बनाए मधुबन निवासी बना लिया है। सभी की सब बातें स्नेह में समाप्त हो गई। यव्वर रेडी की रिहर्सल कर दिखाई। यव्वर रेडी हो गए ना। या भी स्वीट ड्रामा का स्वीट पार्ट देख बाप दादा और ब्राह्मण बच्चे हर्षित हो रहे हैं। स्नेह के पीछे सब बातें सहज भी लगती है और प्यारी भी लगती है। जो ड्रामा बना वह ड्रामा वाह। कितनी बार ऐसे दौड़े दौड़े आए हैं, ट्रेन में आए हैं या पंखों से उड़ के आए हैं। इसको कहा जाता है जहां दिल है वहां असंभव भी संभव हो जाता है। स्नेह का स्वरूप तो दिखाया, अब आगे क्या करना है। जो अब तक हुआ वह श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। अब समय प्रमाण सर्व स्नेही सर्वश्रेष्ठ बच्चों से बाप दादा और विशेष क्या चाहते हैं। वैसे तो पूरी सीजन में समय प्रति समय इशारे देते हैं। अब उन इशारों को प्रत्यक्ष रूप में देखने का समय आ रहा है। स्नेही आत्माएं हो, सहयोगी आत्माएं हो, सेवादारी आत्माएं भी हो, अभी महातपस्वी आत्माएं बनो। अपने संगठित स्वरूप के तपस्या की रूहानी ज्वाला से सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने का महान कार्य करने का समय है। जैसे एक तरफ कूने नाहे केल की लहर बढ़ती जा रही है, सर्व आत्माएं अपने को बेसहारे अनुभव कर रही है। ऐसे समय पर सभी सहारे की अनुभूति कराने के निमित्त आप महान तपस्वी आत्माएं हो। चारों ओर इस तपस्वी स्वरूप द्वारा आत्माओं को रूहानी चैन अनुभव कराना है। सारे विश्व की आत्माएं प्रकृति से वायुमंडल से मनुष्य आत्माओं से अपने मन के कमजोरियों से तन से बेचैन है। ऐसी आत्माओं को सुख चैन की स्थिति का एक सेकंड भी अनुभव कराएंगे तो आपका दिल से बार बार शुक्रिया मानेंगे। वर्तमान समय संगठित रूप के ज्वाला स्वरूप की आवश्यकता है। अभी विदाता के बच्चे विदाता स्वरूप में स्थित रह हर समय देते जाओ। अखंड महान लंगर लगाओ क्योंकि रॉयल भिखारी बहुत है। सिर्फ धन के भिखारी भिखारी नहीं होते लेकिन मन के भिखारी अनेक प्रकार के हैं। अप्राप्त आत्माएं प्राप्ति के बूंद की प्यासी बहुत है। इसीलिए अभी संगठन में विदातापन की लहर फैलाओ। जो खजाने जमा किए हैं वहां जितना मास्टर विदाता बन देते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। कितना सुना है
अभी करने का समय है। तपस्वी मूरत का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए, सिर्फ स्वयं के प्रति याद स्वरूपन शक्ति लेना व मिलन मनाना व अलग बात है, लेकिन तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की ओर अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे महान तपस्वी रूप द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले जमा का काता बढ़ाओ। ऐसे नहीं याद से व ज्ञान से मनन से स्वयं को श्रेष्ठ बनाया, माया जीत विजयी बनाया। इसी में सिर्फ कुछ नहीं रहना, लेकिन सर्व खजानों में सारे दिन में कितनों को दिया, सर्व खजानों में सारे दिन में कितनों के प्रति विदाता बने। सभी खजाने हर रोज कार्य में लगाया व सिर्फ जमा को देख खुश हो रहे हैं। अभी या चार ट्रकों की खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना कितना बांटा अर्थात कितना बढ़ाया। इससे वह कॉमन चार्ट को जो रखते हो वह स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगा। पर उपकारी बनने से स्व उपकारी स्वतः ही बन जाते, समझा? अभी कौन सा चार्ट रखना है? या तपस्वी स्वरूप का चार्ट है विश्व कल्याणकारी बनना। तो कितने का कल्याण किया वहां स्व कल्याण में ही समय जा रहा है। स्व कल्याण करने का समय बहुत बीत चुका, अभी विदाता बनने का समय आ गया है। इसीलिए बाप दादा फिर से समय का इशारा दे रहे हैं। अगर अब तक भी विदातापन की स्थिति का अनुभव नहीं किया तो अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनने के पद्मा पदम भाग्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि विश्व राजन विश्व के प्रति पिता अर्थात विदाता है। अब विदातापन का संस्कार अनेक जन्म प्राप्ति कराता रहेगा। अगर अभी तक लेने का संस्कार कोई भी रूप में है, नाम लेवता, शान लेवता व किसी भी प्रकार के लेवता के संस्कार विदाता नहीं बनाएगा। तपस्या स्वरूप अर्थात लेवता के त्याग मूर्त या हत के लेवता त्याग मूर्त तपस्वी मूर्त बनने नहीं देगा। इसीलिए तपस्वी मूर्त अर्थात हत के इच्छा मात्रम अविद्या रूप जो लेने का संकल्प करता वह अल्प काल के लिए लेता है, लेकिन सदा काल के लिए गवाता है। इसीलिए बाप दादा बार बार इस बात का इशारा दे रहे हैं। तपस्वी रूप में विशेष विघ्न रूप यही अल्प काल की इच्छा है। इसीलिए अभी विशेष तपस्या का अभ्यास करना है, समान बनने का या सबूत देना है। स्नेह का सबूत दिया या तो खुशी की बात है, अभी तपस्वी मूर्त बनने का सबूत तो समझा। वैरायटी संस्कार होते हुए भी विदातापन के संस्कार अन्य संस्कारों को दबा देंगे, तो अब इस संस्कार को इमर्ज करो, समझा? जैसे मधुबन में भागकर पहुंच गए हो, ऐसे तपस्वी स्थिति की मंजिल तरफ भागो। अच्छा भले पदारे सभी ऐसे भागे जैसे कि अभी विनाश होना है। जो भी किया जो भी हुआ बाप दादा को प्रिय है, क्योंकि बच्चे प्रिय है। हर एक ने यही सोचा कि हम जा रहे हैं, लेकिन दूसरे भी आ रहे हैं या नहीं सोचा। सच्चा कुंभ मेला तो यहाँ लग गया है। सभी अंतिम मिलन अंतिम टुब्बी देने आए हैं। यहाँ सोचा कि इतने सब जा रहे हैं तो मिलने की विधि कैसी होगी। इस सुदबुद्ध से भी न्यारे हो गए, ना स्थान देखा ना रिजर्वेशन को देखा। अभी कभी भी यहाँ बहाना नहीं दे सकेंगे कि रिजर्वेशन नहीं मिलती।
ड्रामा में यहां भी एक रिहर्सल हो गई। संगम युग पर अपना राज्य नहीं है, स्वराज्य है, लेकिन धरनी का राज्य तो नहीं है, ना बाप दादा को स्वा का रथ है, पराया राज्य पराया तन है। इसीलिए समय प्रमाण नई विधि का आरंभ करने के लिए यहाँ सीजन हो गई। यहाँ तो पानी का भी सोचते रहते, वहां तो झरनों में नहाएंगे। जो भी जितने भी आए हैं बाप दादा, स्नेह के रेस्पॉन्ड में स्नेह से स्वागत करते हैं। अभी समय दिया है विशेष फाइनल इम्तिहान के पहले तैयारी करने के लिए, फाइनल पेपर के पहले टाइम देते हैं, छुट्टी देते हैं ना, तो बाप दादा अनेक राजों से या विशेष समय दे रहे हैं। कुछ राज गुप्त है, कुछ राज प्रत्यक्ष है, लेकिन विशेष हर एक इतना अटेंशन रखना कि सदा बिंदु लगाना है, अर्थात बीती को बीती करने का बिंदु लगाना है, और बिंदु स्थिति में स्थित हो, राज्य अधिकारी बन कार्य करना है। सर्व खजानों के बिंदु, सर्व प्रति विदाता बन, सिंधु बन, सभी को भरपूर बनाना है। तो बिंदु और सिंधु या दो बातें विशेष स्मृति में रख श्रेष्ठ सर्टिफिकेट लेना है। सदा ही श्रेष्ठ संकल्प की सफलता से आगे बढ़ते रहना। तो बिंदु बनना, सिंधु बनना, यही सर्व बच्चों प्रति बाप दादा का वरदान है। वरदान लेने के लिए भाग्य होना, यही वरदाता का वरदान सदा स्मृति में रखना। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेही सहयोगी बच्चों को सदा बाप की आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को सदा फ्राक दिल बड़ी दिल से सर्व को सर्व खजाने बांटने वाले महान पुण्य आत्माएं बच्चों को सदा बाप समान बनने के उमंग उत्साह से उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चों को विदाता वरदाता सर्व खजानों के सिंधु बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाप दादा को बच्चों का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा के साथ पार्टियों की मुलाकात, फर्स्ट पॉइंट, अपने को पदमा पदम भाग्यवान अनुभव करते हो, क्योंकि देने वाला बाप इतना देता है, जो एक जन्म तो भाग्यवान बनते ही हो, लेकिन अनेक जन्म तक या अविनाशी भाग्य चलता रहेगा। ऐसा अविनाशी भाग्य कभी स्वप्न में भी सोचा था, असंभव लगता था ना, लेकिन आज संभव हो गया। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं या खुशी रहती है, कभी किसी भी परिस्थिति में खुशी गायब तो नहीं होती, क्योंकि बाप द्वारा खुशी का खजाना रोज मिलता रहता है। तो जो चीज रोज मिलती है वह बढ़ेगी ना, कभी भी खुशी कम हो नहीं सकती, क्योंकि खुशियों के सागर द्वारा खुशी मिलती ही रहती है, अकूट है, कभी भी किसी बात के फिकर में रहने वाले नहीं। प्रॉपर्टी का क्या होगा, परिवार क्या होगा, या भी फिकर नहीं, बेफिकर। पुरानी दुनिया का क्या होगा, परिवर्तन ही होगा ना। पुरानी दुनिया में कितना भी श्रेष्ठ हो, लेकिन सब पुराना ही है, इसीलिए बेफिकर बन गए। पता नहीं आज है कल रहेंगे नहीं रहेंगे, यहाँ भी फिकर नहीं, जो होगा अच्छा होगा। ब्राह्मणों के लिए सब अच्छा है, बुरा कुछ नहीं। आप तो पहले ही बादशाह हो, अभी भी बादशाह, भविष्य में भी बादशाह। जब सदा के बादशाह बन गए तो बेफिकर हो गए। ऐसी बादशाही जो कोई छीन नहीं सकता, कोई बंदूक से बादशाही उड़ा नहीं सकता, यही खुशी सदा रहे। और औरों को भी देते जाओ, औरों को भी बेफिकर बादशाह बनाओ। अच्छा, सेकंड पॉइंट, सदा अपने को बाप की याद की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो, या याद की छत्र छाया सर्व विघ्नों से सेव कर देती है।
किसी भी प्रकार का विघ्न छत्र छाया में रहने वाले के पास आ नहीं सकता। छत्र छाया में रहने वाले निश्चित विजयी है ही, तो ऐसे बने हो छत्र छाया से अगर संकल्प रूपी पांव भी निकाला तो माया वार कर लेगी। किसी भी प्रकार की परिस्थिति आवे छत्र छाया में रहने के लिए मुश्किल से मुश्किल बात भी सहज हो जाएगी। पहाड़ समान बातें रूही के समान अनुभव होगे। ऐसी छत्र छाया की कमाल है। जब ऐसी छत्र छाया मिले तो क्या करना चाहिए? चाहे अल्पकाल की कोई भी आकर्षण हो, लेकिन बाहर निकला तो गया। इसीलिए अल्पकाल की आकर्षण को भी जान गए हो। इस आकर्षण से सदा दूर रहना। हद की प्राप्ति तो इस एक जन्म में समाप्त हो जाएगी। बेहद की प्राप्ति सदा साथ रहेगी। तो बेहद की प्राप्ति करने वाले अर्थात छत्र छाया में रहने वाले विशेष आत्माएं हैं, साधारण नहीं। यह स्मृति सदा के लिए शक्तिशाली बना देगी। जो सिकिलदे लाडले होते हैं वह सदा छत्र छाया के अंदर रहते हैं। याद ही छत्र छाया है। इस छत्र छाया से संकल्प रूपी पांव भी बाहर निकाला तो माया आ जाएगी। यह छत्र छाया माया को सामने आने नहीं देती। माया की ताकत नहीं है छत्र छाया में आने की। वह सदा माया पर विजयी बन जाते हैं। बच्चा बनना अर्थात छत्र छाया में रहना यह भी बाप का प्यार है, जो सदा बच्चों को छत्र छाया में रखते हैं। तो यही विशेष वरदान याद रखना कि लाडले बन गए, छत्र छाया मिल गई। यह वरदान सदा आगे बढ़ाता रहेगा। विदाई के समय सभी ने जागरण किया। आपके भक्त जागरण करते हैं तो भक्तों को सिखाने वाले तो इष्ट देव ही होते हैं। जब यहाँ इष्ट देव जागरण करे तब भक्त कापी करे। तो सभी ने जागरण किया अर्थात अपने खाते में कमाई जमा की। तो आज की रात कमाने की सीजन की रात हो गई। जैसे कमाई की सीजन होती है तो सीजन में जागना ही होता है। तो यहाँ कमाई की सीजन है, इसीलिए जागना अर्थात कमाना। तो हर एक ने अपने अपने यथाशक्ति जमा किया और यही जमा किया हुआ महादानी बन औरों को भी देते रहेंगे और स्वयं भी अनेक जन्म खाते रहेंगे। अभी सभी बच्चों को परमात्मा मेले के गोल्डन चांस की गोल्डन मॉर्निंग कर रहे हैं। वैसे तो गोल्डन से भी डायमंड मॉर्निंग है। स्वयं भी डायमंड हो और मॉर्निंग भी डायमंड है और जमा भी डायमंड ही करते हो तो सब डायमंड ही डायमंड है। इसीलिए डायमंड मॉर्निंग कर रहे हैं। अच्छा वरदान संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के काते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवादारी भव। श्रेष्ठ सेवादारी वह है जिनका हर संकल्प पावरफुल हो। एक भी संकल्प कहां भी व्यर्थ ना जाए, क्योंकि सेवादारी अर्थात विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले सारी विश्व आपको कॉपी करती है। यदि आपने एक संकल्प व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए। इसीलिए अब व्यर्थ के काते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवादारी बनो। श्लोगन सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग्य रुत्ति का वायुमंडल बनाओ। सूचना आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहने साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय मास्टर सर्वशक्तिमान की शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को पवित्रता की किरणें दे सतो प्रदान बनाने की सेवा करें। अच्छा ओम शांति।